ये शाकावाली मंदिर है और यहाँ पर बाबा धुणीनाथ का आश्रम है। मैं आपको उस आश्रम को भी भव्य दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो हम तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है ये त्यागी तपस्वी महान संतों का देश है। यहाँ पर उस प्रभु को मनाने के लिए नाना प्रकार की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और हम आ पहुँचे हैं शाकावाली मंदिर के अंदर। यहाँ पर बाबा धुणीनाथ का आश्रम है। ये शाकावाली मंदिर है और यहाँ पर बाबा धुणीनाथ का आश्रम है। मैं आपको उस आश्रम को भी भव्य दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो हम तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है ये त्यागी तपस्वी महान संतों का देश है। यहाँ पर उस प्रभु को मनाने के लिए नाना प्रकार की यातनाएं करते हैं, नाना प्रकार से उस प्रभु को मनाते हैं। कोई दंडवत होकर उस प्रभु को मनाता है, तो कोई उपासना करके उस प्रभु को मनाता है। तो यहाँ पर जो हमारी ये तपोस्थली है, हम उसी तपोस्थली के अंदर आए हैं। यहाँ पर नाथ पंथ का एक दिव्य धुणा है जो कि यहाँ पर चेतन रहता है। हम उस धुणे के भी आपको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे और उन भक्तों के भी दर्शन कराएंगे, उन साधु के भी दर्शन कराएंगे जो कि यहाँ पर लगातार काफ़ी दिनों से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर ये आश्रम है और यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, जिसको ये आप भी भावपूर्ण दर्शन करें उस बरगद के। और उसी बरगद के नीचे यहाँ पर महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। हम महाराज जी के भी आपको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो आइएगा, हम सर्वप्रथम यहाँ के महाराज जी से बात कर लेते हैं, उस सत्संग का ज्ञान ले लेते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर उस अखंड धुणे के दर्शन करें, यहाँ से आशीर्वाद ले, क्योंकि ये चेतन धुना बताया जा रहा है कि भाई चेतन धुना है ये। और यहाँ पर महाराज जी लगातार यहाँ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महाराज जी ने, देखिएगा, पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर एक कमंडल रख रखा है। इस कमंडल के अंदर जो कहते हैं ना, जो नीर है, जो पानी है, वो अमृत के समान है। यहाँ पर ये इस कमंडल पे यहाँ पर यहीं पे पूजा अर्चना करते हैं। और सामने मेरे आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज जी खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं कि आप कितने दिनों से यहाँ पर जो ये खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हमको हो गया एक महीना 5 दिन हो गए। एक महीना 5 दिन हो गए। तो आपको ऐसा क्या वो हुआ कि भाई आपको खड़े होकर ही तपस्या करनी पड़ी? ये क्या, हमारे जो नाथ पंथी में वो है, खड़ी तपस्या का यहाँ पे लागू है। यहाँ पे तपोभूमि है, तपोभूमि पे खड़ी तपस्या ही मानी जाती है। हमारे गुरु महाराज हैं, वो भी खुश होते हैं। हर चीज़ से वृद्धि मिलती है, हर चीज़ को सुख शांति मिलती है, गांव बस्ती को भी, सभी को। तो आपने जो ये संकल्प ले रखा है खड़ी तपस्या का, ये किस लिए, किस कारण से आप कर रहे हैं ये? ये अपने खुद के आश्रम के लिए, आश्रम में तपोभूमि है, यहाँ पे तपना। महाराजों का फर्ज वो होता है, कर्म होता है, कर्म करने पड़ते हैं। महाराजों के कर्म है तपना, तपोभूमि में तपो। तो आपने जो ये बीड़ा उठाया हुआ है, तो कितने दिन तक यहाँ पर तपस्या करेंगे? ये 51 दिन की होगी। 51 दिन तक आप तपस्या करेंगे। तो मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा इस आश्रम के बारे में कि आपसे पहले कौन से संत थे?
हमसे पहले इस टाइम बाबा धुनीनाथ बाबा हुए, उसके बाद में बाबा छोटू नाथ वो ज्वाला नाथ बाबा हुए, उसके बाद में छोटू नाथ बाबा हुए, उसके बाद में प्रेमनाथ बाबा हुए। ये पांचवी पीढ़ी हो गई, छठी पीढ़ी है। अपना मंदिर हो गया कम 600-700 साल पुराना हो गया। 700 वर्ष पुराना यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर उस प्रभु को मनाने के लिए, उस प्रभु को रिझाने के लिए यहाँ पर ये खड़ी तपस्या कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहते कि यहाँ से आश्रम से जुड़ो, यहाँ पर आपको आप शांति मिलेगी, आपके काम बनेंगे, आपको दुख दूर होंगे, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा खड़ी तपस्या पे हमको। देखिएगा यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई महाराज जी यहाँ पर खड़ी तपस्या कर रहे हैं, और जैसा कि मैं ऊपर का फाउंडेशन भी दिखाना चाहूँगा कि उस स्वयं जिसको मैं कह रहा था ना ब्रह्मा का अवतार, यहाँ पर उसी बरगद के डाली पर, टहनी पर इन्होंने ये झूला टाइप में डाल रखा है। और यहाँ पर मैं महाराज जी के चरणों को भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इनके चरणों में सोजन आ रखा है। देखिएगा सभी भावपूर्ण दर्शन करते जाएं। देखिएगा इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये आश्रम, और यहाँ खूबसूरती का प्रतीक, और यहाँ पर महाराज जी अखंड तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी इनके शिष्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि जो हमारा भारत देश है त्यागी तपस्वियों का देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार से उस प्रभु को मनाया जाता है। सब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सेवा करता था यहीं पे आश्रम की, बालकपन से ही करता था। उसके बाद में मेरे को थोड़ा लगाव हुआ आश्रम से, लगाव होते 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 यहाँ के चेला बन गया, हमारे गुरु महाराज ने चेला बना दिया। उसके बाद में खुद ही उमंग उठी कि भाई खड़ी तपस्या करो। तो यानी कि उस प्रभु परमात्मा से आप शुरू से ही लगाव रहा है आपका इस आश्रम से, और फिर धीरे धीरे परमात्मा में ध्यान लीन हो गए और इसी वजह से आप यहाँ पर खड़ी तपस्या करें। तो मैं जानना चाहूँगा कि महाराज जी आपको देश दुनिया से इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपकी आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज की पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि आप आराम से चलो, नशे पते से दूर रहो, भक्ति करो, धाम पे जाओ, अलग ही आचरण होंगे, अलग विचार होंगे। महाराज जी का कहना है ये है कि हम जन कल्याण के लिए यहाँ पर खड़ी तपस्या कर रहे हैं, और इनका मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिजली गिरे, चाहे ओले गिरे, यहाँ पर ये इसी स्थिति में, यानी कि इसी स्थिति में ये रहते हैं। और जैसा कि मैंने इनको चरणों को भी मैंने आपको दर्शन कराए थे कि सोजन आने लग गया है, ये चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए इसी स्थिति में रहते हैं। और इनका दृढ़ संकल्प है और इनका कहना ये है कि भाई हमको जब कोई भी चीज़ प्राप्त करनी होती है, कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो इस तरह से हमको हठ योग के द्वारा यहाँ पर ये प्राप्त करते हैं। प्रणाम। ये ऊपर देखो मधुमक्खी लगी हुई धोने के ऊपर। और मैं दिखाना चाहूँगा कि महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो देखिएगा सामने धुने की तरफ, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा ऐसे करके दिखाए कि देखिएगा सामने इसी बरगद के पौधे के अंदर, यहाँ पर इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के अंदर देखिएगा कि मधुमक्खी का छत्ता है, और नीचे यहाँ पर धुना चेतन चल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी धुआं उठती है, और धुआं से तो कहते हैं ना कि मधुमक्खी प्रचंड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में और भी इनके जो शिष्य हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि महाराज, जैसा कि यहाँ पर महाराज जी
लगातार खड़े होकर साधना कर रहे हैं, तपस्या कर, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए? अपना मुकाम पाने के लिए कर रहे हैं। मुकाम हमारे पास होता है, जो हम इधर बाहर के चक्र में भूल जाते हैं, वो हमारे भीतर होता है, वो मन है। ये मन को मनाने के लिए हम कर रहे हैं। मणि में मंदिर होता बताया, और इस मन को मनाने के लिए बड़ी बड़ी यातनाएं अपने आप को देना पड़ता है, जब जाके बड़ी मुश्किल से ठिकाने लगता है, न तो मानता ही नहीं, भाग जाते इधर से उधर इधर। यानी कि कहने का मतलब मन बड़ा चंचल है। हाँ, इसको रोकने के लिए, इसको पाबंदी करने के लिए इनको भाई खड़ा कर रखा है, पकड़ते हैं भाई कहीं पड़ ना जाए, गिर ना जाए, हम चौकस रहते हैं इसीलिए कि भाई कामयाब हो। मैं जानना चाहूँगा कि प्रभु को मनाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना? ये रास्ता दुख तो होता है, पर जल्दी मिल जाता है, इसे प्राप्ति होती है जल्दी। लक्ष्य है तो, नहीं तो नहीं हो। अगर लक्ष्य पूरा लक्ष्य से वेदन कर रहे हैं तो तुरंत प्राप्त हो। तो मैं महाराज जी के बारे में और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि क्या खाने में मरते हैं हर कोई, खाना बंद करना पड़ता है बिल्कुल अल्पाहार, तो उससे हमें जागृति मिलती है, शांति मिलती है और मन क्लियर हो जाता है। मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं सेवादास बोलते हैं, सेवादास बोलते हैं, सेवादास। अपना देखिए नाम परमात्मा का है, सेवादास बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सभी संतों के जो यहाँ पर सेवक हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, और देखिएगा किस तरह से यहाँ पर कोयल की कुकाट और तोते हैं ना, तोते की चहचाहट, यहाँ पर देखिएगा प्रकृति का कैसा अनूठा संगम है। देखो किस तरह से आवाज़ आ रही है, यानी कि उस परमात्मा की दिव्य अनुभूति होती है यहाँ पर। क्या बात, पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक भगत यहाँ पर 11 अखंड धुनों के बीच में तपस्या कर रहे थे, तो उस प्रभु को मनाने के लिए अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक तरीके हैं। कोई किस तरह से उस परमात्मा को रिझाता है, कोई किस तरह से उस परमात्मा को रिझाता है। मैंने यहाँ की जो आपको ताज़ा रिपोर्ट है उससे अवगत करा दिया। अगर आप इस क्षेत्र पर आना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि खैरतल डिस्ट्रिक्ट से महज करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये बाबा का आश्रम है, और शाकावाली मंदिर धुनीनाथ आश्रम, इस जगह पर आप आइएगा और उस दिव्य धुनी के दर्शन करें, उस संत के दर्शन करें जो यहाँ पर लगातार खड़े होकर जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। मैं नरेंद्र, कैमरामैन प्रसून सैनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।